नमस्ते विकास सर। जी सर, नमस्ते। विकास सर अपना परिचय देंगे, आप क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं बिहार का रहने वाले हैं। हमारा जिला शेखपुरा पड़ता है और शेखपुरा से 12 किलोमीटर जो होती है हमारा एक मतलब ग्रामीण एरिया है जो कि कसार पड़ता है। सर, ओके, ठीक बात है। और करते क्या हो विकास जी आप? मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, आप की उम्र कितनी है विकास जी? सर, अभी हमारा उम्र जो है कि रनिंग उम्र चल रहा है 21 साल चल रहा है सर, 21 साल। 21। बिल्कुल ठीक है। जी और अभी अपन जिस मुद्दे की बात करना चाह रहे हैं वो 2 साल पहले का है, मतलब कि आपकी उम्र तब करीब 19 साल की थी। बिल्कुल ठीक है। सर, जी सर। ओके, तो मुझे आपकी कंप्लेन बताइए कि क्या हुआ आपके साथ में, आप आज क्या कंप्लेन करना चाह रहे हो? एक सेकेंड आप रुकिएगा दोस्तों, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। विकास जी की स्टोरी बहुत ही इंसाइटफुल है। किस तरह से बैंक्स में बैठे अधिकारी स्टूडेंट्स का पैसा भी लूट रहे हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड लूट रहे हैं, ये अपन लोग देखेंगे इस केस में। और हम लोग विकास जी का केस फाइट करेंगे और हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि विकास जी को जल्द से जल्द न्याय मिले। जी विकास जी बताएं क्या हुआ आपके साथ में? सर, जी, सर, दरअसल 2 साल पहले जब हमारी उम्र था 19 साल सर, हाँ जिसमें मैं आईसीआई से बैंक शाखा मतलब विजिट किए थे, ओके और जिसके रिगार्डिंग जो है कि जिसके रिगार्डिंग जो कि मैनेजर ने मेरे को एक स्कीम बताया था जो कि आईसीआई से पुनर्गठन जो कि लाइफ इंश्योरेंस बताया था, ओके जिसमें उन्होंने मुझे ये बोला कि आप अगर सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो 3% आपको रिटर्न एयरली देती है। बिल्कुल अगर 2 लाख रुपया लगता है तो 6 हजार रुपया ही ओनली फोर मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है। और अगर आपके पास में 2 लाख रुपया जो रकम है हाँ वो एक्चुअली 2 लाख रुपया अगर आप जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जो कि आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जिसमें सर आपका 1 रुपया भी मतलब जो कि माइनस नहीं होगा, जहां तक कि आपका पैसा प्लस 15% रिटर्न मिलेगा। 2 लाख रुपया आपका वो जो भाई 2 लाख रुपया आपका डिपॉजिट अमाउंट और प्लस में 15 का जो कि इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब टोटल 1 साल का इनकम जो रहेगा 2,30,000 रुपया सर, ठीक है ना। ओके लेकिन कुछ दिन पहले मैंने जो कि आईसीआईसीआई बैंक में मैंने विजिट किया और इसका जो कि वैल्यू मैंने देखा, तो मेरा पैसे भी मतलब माइनस हुआ हुआ है, 1,64,000 रुपया मतलब वैल्यू रकम दिखा रहा है सर। ओके अभी और हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे उस अधिकारी ने आपको बोला था कि वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में आपका पैसा निवेश कर रहा है, उसने आपको बताया था जी कि जी जी सर, उसका एक बड़ा पॉलिसी है जिसमें आपको 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष जमा करने पड़ेंगे, अगले 5 साल तक जमा करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ बताया था उसने आपको? मैं ये नहीं बताया था सर, उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप 2 लाख रुपया जमा कर दीजिए, अगर आपको भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगा तो इस पैसे को आप विड्रॉवल कर सकते हैं और ओके आप किसी भी फाइनेंस से आप लोन भी करवा सकते हैं, जिसमें 5% लोन भी हो सकता है सर आपका, ठीक है ना। कितना परसेंट तो लोन? लोन प्रीपेड सर 85%, मतलब ठीक जैसे है। कि 2 लाख रुपया का 85% आपका लोन होगा, ठीक है और ना। कितना इंटरेस्ट लगेगा और लोन? बजाज फाइनेंस आपसे हाँ लोन के ऊपर उन्होंने बताया था कि एयरली लगेगा 7%, और उधर से आपका जो कि जहां से पॉलिसी वहां से 15% आपका जो होती है ना, मतलब 15% मतलब उधर से रिटर्न मिलेगा, तो भी मतलब आपका 8% आपका सेविंग होता रहेगा आपके अकाउंट में। उन्होंने बिल्कुल ऐसा लालच देकर मुझे पॉलिसी करवाए थे सर। ठीक है। आपको पता था, किसी भी तरीके से आपको पता था कि ये 2 लाख रुपए आपको अगले 5 साल तक देना जरूरी है, अगर आप 2 लाख रुपए अगले 5 साल तक नहीं दोगे तो आपका पैसा जो है वो डिसकंटिन्यूएंस फंड में चला जाएगा, और डिसकंटिन्यूएंस फंड में आपके जाने से पहले कुछ 6% के चार्जेस लगेंगे, डिसकंटिन्यूएंस फंड में जाने के बाद में आपको केवल 3%, 3.5% ही साल का रिटर्न मिलेगा, ऐसा कुछ बताया गया था आपको? उन्होंने नहीं बताया था सर, उन्होंने वो बोला कि आपको जो कि 2 लाख रुपए में 1 रुपया भी माइनस नहीं होगा, ठीक है ना, जहां तक कि आपको प्लस कर कर मिलता रहेगा। लेकिन सर ये पैसा मेरा भी पैसा मतलब जो कि माइनस हो रही है सर। ओके, तो मैं जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपको करते वक्त पता होता कि आपको 2 लाख रुपए हर साल जमा करने हैं तो आप ये निवेश करते? नहीं सर, नहीं करते ना, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ
और मेरे पास में जो कि हर साल मतलब जो कि 2 लाख रुपया इनकम होगा ही नहीं, ठीक है ना। वो तो मतलब खेत का जो कि फसल अच्छी हुई थी जिसके वजह से जो कि फसल बिका था, तो वो पैसे मैं अपने अकाउंट में जमा करने के लिए गया था, और ये क्योंकि दो मेरा लाख रुपए पिताजी, हाँ ये 2 लाख रुपए आपके थे या पिताजी के थे? ये सर मतलब पिताजी के थे। ठीक बात है। आपने बताया कि आप स्टूडेंट हो, आपके पास में कोई प्रूफ है स्टूडेंट का? आप दिखाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जी सर, मेरे पास प्रूफ है जो कि मैं मगध यूनिवर्सिटी से एक्चुअली मैं पढ़ाई करता था, और मेरे पास प्रूफ भी है, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ है सर। मैं एक चाहूँ बार तो आप आपको दिखा भी सर। हाँ जी 2018 की पॉलिसी हुई है, तो 2018 को के एडमिट कार्ड अगर आपके पास हो तो दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल सर, मैं दिखा सकता हूँ दिखाइए। सर। देखिए, 2018 का जो एडमिट कार्ड है, जो कि मेरा ये 2018 का एडमिट कार्ड है सर, एक ठीक बार है ना, दिखाइए कैमरे के सामने मगध थोड़ा सा, यूनिवर्सिटी का। अच्छे से रखिए कैमरे के सामने। कैमरे जी जी सर, मैं कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं। ये जो कि हमारा दिखा रहा हूँ, एक मिनट सर हाँ मैं इसकी कॉपी भी भेजूंगा कंपनी को, पर एक बार आप ऑडियंस के लिए दिखा दीजिए। जी सर। नहीं अभी नहीं दिख रहा है, ऊपर कीजिए थोड़ा सा, आपके फेस तक आने दीजिए, हमको नहीं दिख रहा है। रुकिए सर, ऊपर एक मिनट। थोड़ा ऊपर लाइए। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कैमरे के सामने लाइए। अच्छा चलिए छोड़ एक मिनट, छोड़िए छोड़िए, कोई बात नहीं। एक हाँ मिनट सर, एक मिनट। देख हाँ सकते हैं अभी दिख रहा है, मेरा अभी दिख रहा है। हाँ मगध मगध यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का बीएससी है, पार्ट 2 ऑनर्स ठीक है ना। एग्जाम। जी जी ठीक है समझ गया मैं, 2018 बिल्कुल ठीक जी बात है। तो आप स्टूडेंट थे, ये तो प्रूफ हो एग्जाम गया। डेट भी हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है, हटा दीजिए सर इसको, जी सर। ओके हटा दीजिए, थैंक यू। इसका कॉपी भी मैं जी कंपनी को भेजूंगा सर, तो ये साफ साफ चीटिंग है। अच्छा मैंने आपका प्रपोजल फॉर्म भी देखा, आपका जो फॉर्म है उसमें आपका दिखाया गया कि आपका एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है, क्या ये सही है? नहीं सर, मेरा इनकम 5 लाख रुपए का, कोई स्टूडेंट लाइफ में 5 लाख रुपया मतलब इनकम नहीं हो सकता है सर। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मेरे को एक चीज जी बताइए, जी आपसे जब ये पॉलिसी करवाई थी तो आपके पास में कंपनी के हेड ऑफिस से या कंपनी के कॉल सेंटर से कोई कॉल आया था कि आप ये पॉलिसी कर रहे हो, इसमें आपको 2 लाख रुपए हर साल जमा करने होंगे, अगर आप 2 लाख रुपए हर साल जमा नहीं करोगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए कोई फोन कॉल आपके पास उसी दिन या उससे 1-2 दिन बाद में कोई फोन आया था? और उसके बाद कोई मेरा को जब मेरे अकाउंट से जब पैसा डिडक्ट हुआ था, ठीक है ना, तो उसके बाद सर कोई कॉल नहीं आया, नहीं तो कोई ईमेल आया, ठीक है ना। ओके लेकिन एक्चुअली जब मतलब 1 साल खत्म हो गया, तो दूसरे साल मतलब जो होता है, मैं बैंक में गया था मतलब जो कि इसका वैल्यू देखने के लिए, तो वहां पे वैल्यू भी मतलब ICICI बैंक में नहीं बताया गया, तो ओके इसका ऑफिस निकालकर मैंने ऑलरेडी दूसरे ब्रांच गया था, जो कि ओके ब्रांच का नाम बता देता हूँ, शेखपुरा से 40 किलोमीटर अंदर एक नवादा एक सिटी पड़ती है, ठीक है ना। ठीक है तो वहां पे भी मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में मुझे वैल्यू रकम दिखाया गया था, ठीक है ओके ना, जिसके वजह से जो कि मैं मैनेजर से मैंने कांटेक्ट किया था, तो मैनेजर वो बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा पैसा मतलब जो कि मेरे को झूठ मूठ के फिर लालच दे रहा है कि तुम्हारा पैसा सेफ है, ऐसा वैसा कुछ भी बोल दिया। लेकिन फिर सर वो मैनेजर गया कहा, ठीक है ना, तो मैं एक्चुअली उसके घर पे भी मैंने गया, और जाने के बाद में मैंने ये भी बात उनसे किया कि सर आप मेरे साथ चीटिंग किए हैं, और जैसे कि हम लोग बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप आपने तो 2 लाख रुपया मेरे साथ में तो गलत कर करके आपने डिपॉजिट करवा दिए हैं, ठीक है ना। ठीक बात और डिपॉजिट करवा देने के बाद में मतलब जो कि किसी गरीब इंसान के साथ में मतलब अभी लॉकडाउन के प्रीपेड में खाने के नहीं पैसे हैं, और आप मेरे साथ इतना बड़े धोखाधड़ी किए हैं, ये सारा सार गलत है सर सर, मैं आपकी बात पूरी जी। समझ गया। आपको स्टूडेंट होते हुए आपकी इनकम 5 लाख रुपए दिखाई है, आपके 2 लाख रुपए जो कि आपके फादर के थे एक्चुअली, वो आप फिक्स डिपॉजिट करवाना चाह रहे थे और वो फिक्स डिपॉजिट ना करवा करके इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी में डलवा दिए, जहां पर कि आपको जी हर साल 2 लाख रुपए जमा करना जरूरी है और आपको ये चीज नहीं बताई गई थी। तो हम लोग सर आपकी बात उठाएंगे, कंपनी के अधिकारियों से भी उठाएंगे, जी और जो दिस थिंग आरबीआई के अधिकारी हैं, आईआरडीए के अधिकारी हैं, उन पर भी हम आपकी बात पहुंचाएंगे डेफिनेटली। जी बिल्कुल गलत हुआ है सर आपके साथ में, और डेफिनेटली हम लोग इसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे सर। जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर।